हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्स एक्सक्लूसिव। दोस्तों, यह एक तरह का नया कोर्स है और आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी कितनी इम्पोर्टेंट होती है, और ये चीज़ हम भी जानते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी को फटाफट कवर करने का तरीका एक ही है कि एमसीक्यूज़ के माध्यम से उसको कवर किया जाए। अब मैंने सोचा कि क्यों ना 200 एमसीक्यूज़ के जरिए हम पॉलिटी भी कवर कर लें, इकोनॉमी भी कवर कर लें, हिस्ट्री भी कवर कर लें और जियोग्राफी भी कवर कर लें। तो दोस्तों, इस कोर्स का नाम है एग्जाम सेंट्रिक कवरेज ऑफ एनसीईआरटी थ्रू 200 एमसीक्यूज। दोस्तों, ये प्रीलिम्स टेस्ट 2019 के लिए है और ये मेरे द्वारा प्रेजेंट की जा रही है धीरज शर्मा के द्वारा, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं एग्जाम्स एक्सक्लूसिव के फेसबुक पेज पे, धीरज शर्मा के फेसबुक पेज पे, और ये एक ग्रुप है एग्जाम्स एक्सक्लूसिव फॉर ऑल फेसबुक ग्रुप। आपको यहाँ पे पीडीएफ मिलती है, डेली के जो अपडेट्स होते हैं वो मिलते हैं, यानी कि आप प्रीलिम्स फैक्ट कह सकते हैं, एडिटोरियल का जो एनालिसिस है वो आपको टेक्स्ट के माध्यम से यहाँ पे नोट्स बना के दे दिए जाते हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है? पहले हम कवर करेंगे एनसीईआरटी ऑफ इंडियन पॉलिटी विद 50 MCQs, सिर्फ 50 MCQs के माध्यम से हम पूरी की पूरी जो पॉलिटी है वो कवर कर लेंगे। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, और उसके बाद इंडियन हिस्ट्री, और लास्ट में हम कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। तो देखिए, 50 50 50 50 यानी कि 200 MCQs हमारे पास हो गए, एक बंडल मान सकते हैं प्रीलिम्स टेस्ट 2019 के लिए। तो दोस्तों, पहला प्रश्न शुरू करते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन कहता क्या है, विद रेफरेंस टू की फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज और आर करेक्ट। दोस्तों, ये जो लास्ट में दिया हुआ था करेक्ट या इनकरेक्ट, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन को गलत भी कर सकता है, सही भी कर सकता है। तो दोस्तों, पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स that allow for optimal coordination amongst number of a society. क्या पहली स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, because the first function of the constitution is to provide a set of basic rule that allow for optimal coordination amongst member of a society. It thus prevent dispute and discrimination over various aspect of life. तो पहली जो स्टेटमेंट है वो सही हो गई। अब देखते हैं दूसरी, it decide on how the government is to be constituted. तो दूसरी स्टेटमेंट क्या सही है या गलत है, जरूर बताइए। चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं उसको। द सेकेंड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन ए सोसाइटी एंड इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो दोस्तों, दूसरी जो स्टेटमेंट है वो भी सही है। तीसरी देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट बाय एम्पावरिंग सिटीजन विद फंडामेंटल राइट्स। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, बिकॉज द थर्ड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स टू व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन। दीज लिमिट आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट मे नेवर ट्रेसपास देम। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो दोस्तों, ये वाली स्टेटमेंट भी सही हो गई। अब पूछा क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तीनों के तीनों सही हैं, तो उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। तो चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू राज्यसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दोस्तों, अब नीचे वाला पहले देख लीजिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर इनकरेक्ट। मैंने कहा था पहले क्वेश्चन में कि आपको इस पे ध्यान देना है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। दोस्तों, चलिए फिर पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैव रिप्रेजेंटेशन इन इट। क्या दोस्तों, पहली स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। दूसरी देखते हैं, इट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी लाइक द लोकसभा। नहीं, ये भी गलत है। तीसरी देखते हैं, द टर्म ऑफ राज्यसभा इज 6 ईयर। ये भी गलत है। तो दोस्तों,
फ्रेंड्स यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो अभी देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। द राज्यसभा रिप्रेजेंट ऑल द स्टेट एंड टू यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी रेस्पेक्टिवली इन द पार्लियामेंट। रेजिडेंट ऑफ द स्टेट इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द इलेक्टेड मेंबर ऑफ विच इन टर्न इलेक्ट मेंबर ऑफ द राज्यसभा। हेंस इट इज एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। तो यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट है वो भी गलत है, और यहाँ पे दूसरी क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है। अब देखिए ये क्या है, द टर्म ऑफ राज्यसभा इज 6 ईयर। सो फ्रेंड मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर नॉट राज्यसभा इटसेल्फ। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ द टर्म ऑफ 6 ईयर ए मेंबर कैन गेट री इलेक्टेड फॉर अनादर टर्म ऑफ 6 ईयर। ऑल मेंबर डज नॉट कंप्लीट देयर टर्म एट द सेम टाइम। एवरी 2 ईयर 1/3 मेंबर कंप्लीट देयर टर्म एंड इलेक्शन आर हेल्ड फॉर दोज वैकेटेड सीट ओनली। दस द राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्व, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो क्या हो गया, ऑप्शन डी 1, 2 और 3, क्योंकि तीनों के तीनों गलत है। चलिए तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। क्या कहता है, विद रेफरेंस टू द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। दोस्तों यहाँ पे तीन स्टेटमेंट है आपके पास, कौन सी सही है वो हमें यहाँ पे बताना है। करेक्ट द करेक्ट आंसर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। पहली स्टेटमेंट देखते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है, जम्मू एंड कश्मीर हैज ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड ए फ्लैग, सभी जानते हैं, बिल्कुल है। दूसरा देखते हैं, द यूनियन गवर्नमेंट कैन इम्पोज फाइनेंशियल एमरजेंसी इन द स्टेट, गलत। दूसरा तीसरा देखते हैं, नो एमरजेंसी ड्यू टू इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिक्लेयर्ड इन द स्टेट विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये भी गलत। तो दोस्तों पहली सही और दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन ए यानी कि 1 only। सो फ्रेंड द प्रेसिडेंट हैज इश्यूड 2 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इन कॉन्करेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मेकिंग लार्ज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू द स्टेट। एज ए रिजल्ट दो जम्मू एंड कश्मीर हैज ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड ए फ्लैग, पार्लियामेंट्स पावर टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट नाउ इज फुली एक्सेप्टेड। अब ये तो होगी पहली जो स्टेटमेंट है उसकी एक्सप्लेनेशन। दूसरी की एक्सप्लेनेशन क्या होगी, द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज ए फाइनेंशियल एमरजेंसी इन द स्टेट एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल डू नॉट अप्लाई इन जम्मू एंड कश्मीर। थर्ड स्टेटमेंट की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन क्या है, ए डिफरेंस बिटवीन द अदर इंडियन स्टेट एंड स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इज दैट नो एमरजेंसी ड्यू टू इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिक्लेयर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ स्टेट एंड नॉट द गवर्नर। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए यानी कि 1 only। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द पेयर गिवन बिलो आर करेक्टली मैच्ड। दोस्तों यहाँ पे आपके पास है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और यहाँ पे है प्रोविजन। तो देखिए पहला कौन सा है, सेकंड अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 1952 रिमूव्ड द अपर पॉपुलेशन लिमिट फॉर ए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय अमेंडिंग आर्टिकल 81 सेक्शन 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों पहला जो ये पेयर दिया हुआ है क्या ये करेक्टली मैच है, बिल्कुल है। तो देखिए पूछा क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब भाई ये वाला जो है ये तो इसको आप हटा दीजिए क्योंकि इसमें वन है ही नहीं। अब आपके पास एलिमिनेट करने का क्या क्या बचता है, पहला दूसरा और चौथा। अब देखते हैं दूसरे वाला, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 रिड्यूस द एज ऑफ वोटिंग राइट्स फ्रॉम 21st टू 18 Enhancing the scope of universal adult franchise। तो देखिए दूसरे वाला भी सही है,
तो अब हमारे पास सिर्फ ऑप्शन बचते हैं ए और डी। अब इन दोनों में से हमें सेलेक्ट करना है। अब देखते हैं थर्ड वाला, 91st अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या है? 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, अमेंडेड आर्टिकल 75, सेक्शन फर्स्ट, इंक्लूड क्लोज फर्स्ट ए, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री साल नोट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। तो ये भी सही है दोस्तों। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, 1, 2 and 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन जुडिशरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपके पास तीन स्टेटमेंट है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी सही है। पहली देखते हैं, बोथ द सुप्रीम कोर्ट and High Court have power to interpret the Constitution. Friend, पहली जो statement है वो बिल्कुल सही है। The Supreme Court and the High Court have power to interpret the Constitution of the country. They can declare null and void any law of the legislature or the action of the executive, whether at the union level and at the state level, if they find such a law or action against the constitution. Thus, they can be determine the constitutional validity of any legislation or action of the executive in the country when it is brought to their notice. तो पहली जो statement है वो सही हो गई। दूसरी देखते हैं, Indian Judiciary Act as the guardian of the fundamental right. ये भी सही है। अब देखते हैं तीसरी वाली, Indian Judiciary is one of the most powerful judiciary in the world. ये भी सही है। तो दोस्तों तीनों सही है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, 1, 2 and 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? विद रेफरेंस टू बाइकैमरल लेजिस्लेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। आपके पास तीन स्टेटमेंट है, कौन सी सही है वो हमें यहाँ पे बताना है। पहला देखते हैं, कंट्रीज विद लार्ज साइज एंड डाइवर्सिटी usually prefer bicameral legislature. Friend, बिल्कुल सही बात है। bicameral legislature होता क्या है? Two houses of the national legislature to give representation to all section of the society and all geographical regions. दूसरी statement देखते हैं, पहली सही है। In India, the procedure to establish legislative council in the state is initiated by the state government concerned. दोस्तों दूसरी वाली जो स्टेटमेंट है वो भी सही है। कैसे सही है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। Under Article 169 of the Indian Constitution, that is state government has been given the option to establish either a uncameral or bicameral legislature. Legislative council as second house. They can do so by passing a resolution in a legislative assembly, sending it to a parliament for rectification. तो देखिए पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही होगी। तीसरी देखते हैं, at present only 6 Indian state have bicameral legislature in India. दोस्तों 6 नहीं है, 7 है। तो कौन कौन से वो 7 स्टेट हैं? आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश had legislative council, but recently Telangana was added to the list. तो 7 हो गई ना। तो तीसरे वाला जो statement है वो गलत है, पहला दूसरा सही है। तो उत्तर क्या हो गया? Option C, यानी कि 1 and 2 only. तो अब चलते हैं question number 7 देखते हैं, which of the following feature related to Indian judiciary have been provided in the Constitution of India? आपके पास 4 हैं, तो इनमें से कौन कौन से इससे रिलेटेड हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। पहला देखते हैं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, जुडिशियल सुप्रीमेसी, बिल्कुल नहीं है। तीसरा देखते हैं, इंटीग्रिटी जुडिशरी फॉर द यूनियन एंड द स्टेट, ये भी है और ये भी है, ये नहीं है। और चौथे वाला देखते हैं, ईच स्टेट with its own high court independent of the jurisdiction of the supreme court, galat. to dosto pehla aur teesra hai, to dekhiye answer kya banta hai yahan pe, option b, 1 and 3 only. to thoda sa
एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद प्रोविजन लाइक नो रोल ऑफ द पार्लियामेंट इन अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर एटसेट्रा. जुडिशियल सुप्रीमेसी एग्जिस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बट नॉट इन द केस ऑफ इंडियन जुडिशरी. देर इज ए सिंगल जुडिशरी ओवर हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 132, 133 एंड 134 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे पहला तीसरा सही है और दूसरा चौथा गलत है. तो आंसर हमने बता ही दिया, ऑप्शन बी. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. तो दोस्तों ये लिस्ट 1 है और ये लिस्ट 2 है. पहला देखते हैं अफर्मेटिव एक्शन. तो देखिए किसके साथ मैच करना है. फर्स्ट वाला भी अफर्मेटिव एक्शन होता क्या है पहले तो वो पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप ऑप्शन लगा पाएंगे. अफर्मेटिव एक्शन इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इट इज नॉट इनफ टू एस्टेब्लिश फॉर्मल इक्वलिटी बाय लॉ. इट रिक्वायर सम मोर पॉजिटिव स्टेप टू मिनिमाइज एंड करेक्ट क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ पास्ट इनइक्वलिटी. The Trafficking of Person, Prevention, Protection and Rehabilitation Bill 2018 आपने सुना होगा. तो देखिए यहां से ही ऑप्शन बनता है. ए वाला किससे मैच हो रहा है, दो नंबर से. तो भाई ए वाला दो नंबर से हो गया. अब देखिए इन ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, कहीं पे भी दो नंबर दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा, सिर्फ ए वाले में दिख रहा है. तो यही इसका उत्तर हो जाएगा. तो बी वाला जो है वो थर्ड से मैच हो जाएगा और सी वाला फर्स्ट से मैच हो जाएगा. तो यहां से मतलब ट्रिक हम लगा सकते हैं, जितना जल्दी आप कम समय लगाएंगे उतना जल्दी आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा. तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज. क्यों है भाई, इसका रीजन है. जो हमारे पास तीन कह सकते हैं स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं कौन कौन सा सही है. इट प्रोवाइड ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है. दूसरा देखते हैं, इट प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. दोस्तों ये चीजें आपने एक्सपीरियंस की होंगी, तो ये वाला भी सही है. अब हमसे करेक्ट पूछा गया है तो तीसरे वाला देखते हैं. इट एनहेंस द डिग्निटी ऑफ वर्किंग सिटीजन ओनली. दोस्तों ये गलत है, मतलब क्या तुक बनता है इस ऑप्शन का. तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं. ये दो सही हैं, क्यों सही हैं वो बता देता हूं. बिकॉज डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ ऑल द सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास, सेक्स, वर्क स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और रेस. तो ये तीसरे वाला क्यों गलत है और दो क्यों सही है वो बता रहा हूं मैं आपको. इज बिकॉज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, रिकॉग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज द सेम स्टेटस एज द रिच एंड एजुकेटेड. ए डेमोक्रेसी रिक्वायर्स द रूल टू हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल एंड इन ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इट मे एंड कैन रिस्पोंड टू द पीपल नीड्स बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द विशेज ऑफ द रूलर. दोस्तों पहला दूसरा सही तीसरा गलत, तो उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन ए, यानी कि वन एंड टू ओनली. तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द पेयर गिवन बिलो आर मैच्ड करेक्टली. आपके पास यहां पे क्या है, राइट्स, और ये क्या है, मीनिंग. तो चलिए पहला देखते हैं, हैबियस कॉर्पस. दोस्तों हैबियस कॉर्पस, ए राइट ऑफ हैबियस कॉर्पस मीन्स that the court order that the arrested person should be presented before it and it can only order to set free an arrested person if the manner or grounds of the arrest are not lawful or satisfactory. तो देखिए ये जो पहला मैच है क्या वो सही मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है. दूसरा देखते हैं, तो ये सही हो गया, निशान लगाते जाइए. तो देखिए अब यहां से ऑप्शन भी हम एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे. यहां पे आपके पास जो ऑप्शन सी है उसे आप बिल्कुल हटा दीजिए,
आपके पास तीन ऑप्शन बच जाते हैं, यानी कि 33% चांसेस हैं आपके पास। तो दूसरे वाला क्या है इसको देखते हैं दोस्तों। दूसरे वाला क्या सही मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो ये होता क्या है इसको पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। फ्रेंड्स, अंडर दिस राइट द कोर्ट ऑर्डर ए लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर ए मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू द हायर अथॉरिटी और कोर्ट। तो देखिए ये वाला गलत हो गया। अब तीसरा देखते हैं, तीसरे वाला क्या सही है? बिल्कुल नहीं है। तो ये होता क्या है इसको भी जान लेते हैं। और ये नीचे बच गए ना, तो ये बिल्कुल सही है, तो इनके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन ये जो गलत है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ये क्या होता है इसके बारे में चलिए जानते हैं। इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट ए पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस, इट इश्यू द राइट ऑफ क्यूओ वारंटो एंड रेस्ट्रिक्ट दैट पर्सन फ्रॉम एक्टिंग एज एन ऑफिस होल्डर। तो ये क्यों गलत है समझ में आ गया दोस्तों? दूसरा और तीसरा गलत है, पहला चौथा पांचवा सही है। तो देखिए आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी 1, 4 and 5 ओनली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगले लेसन के अंदर करेंगे, यानी कि अब तक हमने 10 क्वेश्चन कर लिए और इससे आगे के क्वेश्चन 11 से लेके 20 तक नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे। सो इस लेसन को पूरा पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए, और ये जो चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन का बटन दबा देना है, क्योंकि आगे के जितने भी लेसन होंगे उनकी नोटिफिकेशन फटाफट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन ऑसम डे।